अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो क्या हाल चाल है आप सब के। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे, आपके बर्थ भी मान में होंगे। तो भैया आज का टॉपिक ये है कि जो मुर्गियाँ क्रॉस नहीं करवाती हैं, कोई किसी लिए नहीं करवाती, क्या वजह आता है। तो भैया इनमें तीन चार मामला तो हो सकते हैं। एक मुर्गी वो क्रॉस नहीं करवाती जो क्रीज में होगी, ठीक है। क्रीज वाली मुर्गी जब मुर्गा क्रॉस करने लगेगा, जाहिर सी बात है उसके पर कच्चे होंगे, वो जब क्रॉस करेगा तो वो भागेगी, मुर्गी क्रॉस नहीं करवाती। और एक वो नहीं करवाती जो अभी हिट पर नहीं आई होती, या वो नहीं करवाती जो ज़्यादा ओल्ड हो जाती हैं मादियाँ, वो ठीक है भागती हैं। या जिन मुर्गों के सबसे पहले जो मुर्गे आप ब्रीडर करते हैं उनके खार वगैरह आप काट लिया करें, क्योंकि जब वो क्रॉस वगैरह करने के लिए मादी के ऊपर जाता है तो उसके खार लगते हैं, कील वगैरह लगते हैं मादी के, तो उसकी वजह से मादी के भी इन्फेक्शन हो जाता है कमर पर, ठीक है। तो इस वजह से भी मादी भागती हैं जिनके पास इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे पहले जो ब्रीडर आप करना चाहते हैं ना, तो ब्रीडर वगैरह के ना आप कील काट लें मुर्गों के, तो इससे यह बेनिफिट मिलता है के मादी का कमर। और एक मेन वजूहत ये होती है कि मुर्गी के ना दुम के ऊपर एक टेल सी होती है, ठीक है, बारीक सा कोन की तरह बनी होती है। मैं इस वीडियो में पकड़ के आपको दिखा नहीं सकता, मैं फिर भी तस्वीर ऐड कर दूंगा इसके साथ। अगर उसमें रेशा हो तो फिर भी मुर्गी क्रॉस नहीं करवाती, क्योंकि जब मुर्गा उस पर चढ़ता है वो उसमें अगर अक्सर रेशा बन जाता है, ठीक है, या वो सूजी से होगी। अगर रेशा बना हुआ तो आप उसको दबा देंगे तो वो बाहर निकल आएगा, मुर्गी फिर भी क्रॉस करनी शुरू हो जाएगा, एक दो दिन लगेंगे, ठीक है, तेल वगैरह लगा दें। अगर उसमें रेशा नहीं है सही है तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है, मैं तस्वीरें साथ ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना दुम के बिल्कुल ऊपर एक कौन सी बनी होती है वो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि मुर्गी को ना गंदी जगह पे ना छुड़ा करें, अक्सर मुर्गी जख्म वगैरह करवा लेती है, उसकी वजह से भी भागती है। मेन वजह यही है कि मुर्गी नहीं करवाती है तो अक्सर या हीट पर नहीं आई होती, या क्रीज में हो तब नहीं करवाती है, या ये है। फिर भी आपको देख के मैं बता देना कि क्यों नहीं करवाती, इंशाल्लाह ये दो तीन काम कर लें बेहतर हो जाता है। माशाल्लाह मेरा एक ये भी जोड़ा था, तो ये मुर्गी कुड़क नहीं तोड़ी थी, तो कल मैंने इसको तीन चार दफ़ा नहलाया वगैरह तो करवाया मुर्गी के साथ, थोड़ा काफ़ी बेहतर आ गए थे। इंशाल्लाह जैसे जैसे होता तो करते हैं।